सबसे पहले नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको रामेश्वरम में रहने के लिए सस्ता और सबसे बेहतर जगह के बारे में बताने वाला हूँ। इस वीडियो के लिए मैंने ज़्यादा रिसर्च की क्योंकि मेरे चैनल पे अभी जो दो वीडियो ज़्यादा चल रहे हैं, चीपेस्ट धर्मशाला इन जयपुर एंड चीपेस्ट धर्मशाला इन नैनीताल, तो इससे मुझे पता चला भारत में मेरी तरह गरीब लोग ज़्यादा हैं जो कि अपने एकोमोडेशन को कम में रख के घूमना चाहते हैं। और इफ़ आप अपने आप को मिडिल क्लास कहते हो और समय या पैसे के कारण आप ट्रिप प्लान नहीं करना कर पा रहे हो, तो मैं आपको बता दूं आप भी एक गरीब हो। तो पहले मैं आपको भारत सेवा आश्रम जहां मैं रहा था उसके बारे में बताता हूं, फिर आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं कहां कहां गया था और मुझे क्या क्या पता चला और कौन सा होटल या धर्मशाला आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत सेवा आश्रम संघ, इसका ब्रांच भारत के कई शहरों में है। यहाँ पर यानी कि रामेश्वरम में मैंने 200 रुपये पर डे के हिसाब से यहाँ पर पे किया था। यदि आप स्वामी जी से रिक्वेस्ट करें तो इसी में वो आपको रात का खाना भी प्रोवाइड करवा देंगे। रामेश्वरम में धर्मशाला, लॉज या होटल में सिंगल पर्सन को रूम नहीं देते। बहुत लोगों से पूछने के बाद पता चला एक बार यहाँ पर एक पर्सन ने यहाँ पे सुसाइड कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने डायरेक्शन दिया कि आप किसी भी सिंगल पर्सन को यहाँ रूम नहीं देंगे। पूरा साफ है, अच्छा है, 3 बेड वाला रूम मिला है मुझे, तो इसमें और कोई है नहीं, सिंगल ही मुझे मिला है। वॉशरूम भी सही ही है। इसके बाद मैंने कई धर्मशालाएं विजिट की और वहां के प्रधान से बात किया, जैसे श्री कृष्ण प्रणामी मंगल मंदिर एवं धर्मशाला, बाबा सीताराम आश्रम, श्री रामचंद्र चंद्रकार धर्मशाला, जहां से मुझे पता चला कि धार्मिक स्थल होने के कारण यहां पे आपको 20 से 40 लोगों के लिए 1,000 से 2,000 तक में अच्छे कमरे मिल जाएंगे और 2 से 4 लोगों के लिए आपको 200 से 500 तक पे करना पड़ सकता है। इफ अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो के हेल्प से यदि रूम खोजने में सहायता हुई हो तो प्लीज़ कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। रामेश्वरम में रुकने के रिगार्डिंग या धर्मशाला के रिगार्डिंग में यदि कोई भी समस्या हो तो प्लीज़ कमेंट करें।